गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ से आए हो सर? सर मैं बनारस से ही हूँ। ओके, हाँ क्या आपने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे? एक्चुअली मुझे एरो मॉडलिंग वर्कशॉप के लिए एडवाइस किया गया था कि आप यहाँ पे अपने स्टॉल लगाएं। राइट, ऑल इंडिया में हम लोग के ऐसे वर्कशॉप चलते रहते हैं स्कूल और कॉलेज में। तो हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काम करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं कि आप वर्कशॉप करें और एरो मॉडलिंग बनाएं। ड्रोन्स भी बनाते हैं हम लोग, जैसा कि हमारा ड्रोन्स यहाँ पे था एक उसके पास चलिए तो ज़रा, क्योंकि बच्चों का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया है। ड्रोन्स है, क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर दो तरह का होता है। ओके, तो ये हेक्साकॉप्टर है, यानी हेक्सा क्योंकि सिक्स विंग थे। हाँ ओके, सिक्स विंग होता है। सिक्स प्रोपेलर जिसमें होते हैं वो हेक्साकॉप्टर होता है। प्रोपेलर चाहिए क्वाडकॉप्टर। ओके, हाँ स्मॉल ड्रोन भी हमारे बच्चों ने बनाया है ये। इसकी मॉडल और डिज़ाइन बच्चों ने किया है। सर एक बात बताओ, कितना समय लगता है? जैसे छोटा वाला है, ये सिखाने में आप लोगों को कितना समय लग जाता है? ऐसे सर ये एक्चुअली में वर्कशॉप अगर हम लोग कराते हैं तो 6 डेज का वर्कशॉप कराते हैं। 6 दिन में हम लोग बिल्ड करना, फ्लाइंग करना, फैब्रिकेशन करना, 6 दिन में हम लोग बता देते हैं। अच्छा, सेंटर कहाँ पे है आपका? सेंटर तो एक्चुअली मेरा गुड़गांव नोएडा। ओके, गुड़गांव में सेंटर है, नोएडा में सेंटर। राइट, हाँ पुष्पक आरसी प्राइवेट लिमिटेड करके। ओके, पुष्पक आरसी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, पुष्पक आरसी प्राइवेट लिमिटेड। सर मैं इसी को कॉन्टेक्ट करना हो जी तो इसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना? आरसी प्राइवेट, और बनारस में हम लोग पुष्पक टेक विलेज के नाम से बनाते हैं। ओके, हाँ पुष्पक टेक विलेज आप सर्च करेंगे। इसमें इनपुट कितना पड़ता है सर, कितना कॉस्टली पड़ता है ये? सर ये ड्रोन बनाने में एक्चुअल में अगर हम लोग बनाए, अगर बिगिनर ड्रोन बनाते हैं तो मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार रुपये में बिगिनर ड्रोन मिल जाते हैं। अच्छा, और 6 से 7 हज़ार में बनेगा? हाँ। और 6 से 7 दिन? 6-7 दिन। ओके राइट, और ये सर आरसी प्लेन का मॉडल्स है। आरसी प्लेन के मॉडल्स को भी वर्कशॉप हम लोग करते हैं। हाँ, आरसी प्लेन एक्चुअली बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। शुरुआत पहले आरसी प्लेन से ही होती है। ओके, फिर आगे इम्प्लीमेंट करते करते हम लोग आईसी इंजन पे आते हैं। राइट, फिर ड्रोन पे आते हैं। आईसी इंजन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन। हाँ अच्छा, इलेक्ट्रिक है ये? इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन दोनों। राइट, दोनों। हाँ ओके, सर एक बात बताओ, क्या देख रहे हो इसका मतलब इंडिया में फ्यूचर? जो इंडिया का, हाँ इंडिया में इसका फ्यूचर क्या देख रहे हो, जरा इससे बताओ। फ्यूचर सर अभी भी अगली प्लानिंग हम लोग की चल रही है ड्रोन टैक्सी बनाने का। राइट, ड्रोन टैक्सी। राइट जी, अभी आपने देखा होगा ओला उबर। हाँ, हमको कहीं अभी अगर जाना होता है ड्रॉपिंग के लिए तो हमको ओला उबर यूज़ करना पड़ता है। राइट, लेकिन ट्रैफिक का इतना इशू है कि हम लोग सही समय पे अपने जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। राइट, तो हम लोग इसके लिए गैदरिंग ना हो रोड पे उसके कम टाइम देने के लिए हम लोग ड्रोन टैक्सी बनाने जा रहे हैं। ड्रोन टैक्सी। आपको सर ऑल द बेस्ट। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार। थैंक यू सर।